जनपद रुद्रप्रयाग के एक दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का गुलाब राय मैदान में जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर केदारनाथ यात्रा मार्ग में संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने केदारनाथ धाम यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने व यात्रा मार्ग में संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। यदि कोई घोड़ा खच्चर कमजोर व अनफिट है तो उसका यात्रा मार्ग में संचालन न किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने 5 सदस्यों की टीम भी गठित करने के निर्देश दिए, जिसमें पशु चिकित्सक, पुलिस, जिला पंचायत एवं जिला प्रशासन के लोग शामिल होंगे। बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मंत्री को आश्वस्त किया कि बैठक में उनके द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका संबंधित अधिकारियों से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। बता दें, बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह, पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कुछ कमियां आई हैं सामने, हमारे कुछ प्रशासन की तरफ से भी कुछ कमियां रहीं और कुछ हमारे जो घोड़े मालिक हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं उनकी भी बहुत इनह्यूमन एक्टिविटीज सामने आ रही हैं कि वो घोड़े को सही टाइम पे रेस्ट नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, पानी पीने के लिए पानी पीने नहीं दे रहे। 90% जो हमारे यहाँ डेथ्स हुई हैं खच्चरों की वो कॉलिक की वजह से हुई है। और कॉलिक का जो रीज़न जो हमारे डॉक्टर यहीं पर है, मैंने उनसे भी चर्चा करी है, कॉलिक का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये लोग सुबह घोड़े को ऊपर ले जाते हैं, फिर शाम को वापस ला रहे हैं और उसको पूरे दिन कुछ खाने को पीने को नहीं दे रहे हैं। फिर जब वो रात में आता है, वो खाना खाता है, वो भूसा, सूखा भूसा खिला के उसको बहुत सारा पानी खिला दिया जा रहा है। और 90% जो डेथ्स हो रही है वो 1 बजे रात से 6 बजे सुबह तक के बीच में डेथ्स हो रही है।